नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल SB मेडिसिन। आज अपन बात करेंगे मेथेरजिन इंजेक्शन के बारे में। मेथेरजिन इंजेक्शन नोवार्टिस कंपनी का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, जिसकी प्राइस है ₹15.98 पर पैक। ये 1 ml के ग्लास बेस के पैक में होता है। इसका कंटेंस होता है मिथाइल एर्गोमेट्रिन इंजेक्शन 0.2 mg। इसका यूज आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यह इंजेक्शन आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। मेथेरजिन इंजेक्शन एक एर्गोट एल्गलाइड दवा है, जिससे महिलाओं में उपयोग में लिया जाता है। जैसे कि अगर किसी महिला को डिलीवरी हुई है और उसके बाद भी उनको यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, या डिलीवरी के टाइम भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तब उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ काफ़ी असरदार है, काफ़ी हेल्पफुल है। साथ ही किसी लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान मिसगैरेज हो गया है, तब भी उस दौरान उस मिसगैरेज में होने वाली ब्लीडिंग को रोकने में काफ़ी असरदार है। और अगर आपको गर्भपात की कंडीशंस हो गई हैं, तब उस गर्भपात के दौरान भी हैवी ब्लीडिंग को रोकने में ये काफ़ी इफेक्टिव है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी कंडीशंस की वजह से प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ी हो, जैसे कि आपने MTP किट यूज़ कर लिया हो, तब उस समय अगर आपको लंबे टाइम तक ब्लीडिंग हो रही हो, वो रुक नहीं रहे हो, तब उस कंडीशन में उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये इंजेक्शन काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी इफेक्टिव है। और भी ये इंजेक्शन बच्चे को जन्म देने के बाद गर्भाशय में मांसपेशियों की जो टोन होती है उसे सुधारने में काफ़ी हेल्प करता है। और भी कभी कभी डॉक्टर्स इसे प्रसव की गति बढ़ाने में भी यूज में लेने की एडवाइस आपको दे सकते हैं। ये इंजेक्शन गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों पर काम करता है और कंट्रक्शन की टोन और यूजेस को बढ़ाता है। इस तरह से ये ब्लड लॉस को कम करता है, यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, तब उस दौरान आपको खून की कमी होना या ब्लड लॉस हो जाना एक नॉर्मल सी बात होती है, तो उस ब्लड लॉस को ये रोकता है। जान लेते हैं इस इंजेक्शन के सावधानियों के बारे में। तो ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने से पहले अगर आपको ब्लीडिंग होने लग गई है, तब उस टाइम ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ नहीं किया जाता है। इससे बस डिलीवरी के बाद ही यूज़ किया जाता है। और भी अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी इसका यूज़ नहीं करना है। हाँ, अगर बहुत ही सीरियस कंडीशन में इसका यूज़ करना आपको पड़ रहा है, तब ऐसे में आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएं। आप ब्रेस्ट पंप की सहायता से आप अपना जो भी मिल्क है उसे निकाल के फेंक दें। अगर आपको कोई भी सीवियर डिसीज़ है तो भी उसके बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, उसके बाद इसका यूज़ करवाएं। जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट आपको नज़र आ सकते हैं वो है नोजिया या वोमिटिंग होना, आपको एब्डोमिनल पेन होना, चेस्ट में पेन होना, लेग क्रैम्प होना, और आपके इररेगुलर हार्ट रेट की प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ सकती हैं। वैसे साइड इफेक्ट कुछ टाइम के होते हैं, कुछ टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। और भी हो सकता है आपको इनके अलावा कोई अदर साइड इफेक्ट नज़र आए। अगर ऐसी कोई भी कंडीशंस क्रिएट होती हैं, तब ऐसे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।